खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं और हमारे R9 टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। देश में घटने वाला हर घटनाक्रम, होने वाला हर बवाल, होने वाली हर हिंसा और उसके पीछे अगर किसी को वजह बताया जाता है तो वो बताया जाता है सोशल मीडिया को, जहां इंटरनेट को। इंटरनेट के जरिए भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं, लोगों को बरगलाया जाता है, इस तरह की बातें अक्सर सामने आती हैं। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो हिंसाएं हुई उसके पीछे भी सोशल मीडिया को जिम्मेदार बनाया गया, बताया गया और बाकायदा कई जगहों पर इंटरनेट को बंद किया गया है। बात अगर उत्तर प्रदेश ही करें, यहां पर 21 जिले तकरीबन ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट की सेवा को बंद किया गया है। इंटरनेट की सेवा को बंद करने का मतलब आज समझते हैं, क्योंकि आज का पूरा जनजीवन, क्या आम क्या खास, हर कोई बैंक से लेकर रिजर्वेशन तक, स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे तक इंटरनेट पर निर्भर हैं। एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात होती है तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हर महीने कहीं ना कहीं इंटरनेट बंद कर दिया जाता है किसी ना किसी वजह से। आज इसी पर फेस टू फेस होगा। अक्सर यह देखा गया है कि पीठ के पीछे बीजेपी वाले भी कहते हैं, आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर, और पीठ के पीछे ही कांग्रेस वाले बीजेपी को कहते हैं, लेकिन यहां फेस टू फेस होगा। यहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होने वाली हैं। जो दो शख्स आज आमने सामने होंगे बीजेपी और कांग्रेस से, उनका तारुफ आपसे कराता हूं। अनिल गोयल बीजेपी से हमारे साथ होंगे और उनके सामने होंगे कांग्रेस से जितेंद्र चौधरी। ये दोनों आज अपने अपने तर्कों के जरिए ये बताएंगे क्या सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट बंद करना ही विकल्प है, इससे समाधान हो जाता हर समस्या का, या फिर नहीं। डीजल पेट्रोल रेडी कर डायरेक्शन जीव सब मार दो पर देखा जीव जा। तो सुना आपने, पेट्रोल डीजल तैयार रखना, ये वीडियो इंटरनेट के जरिए सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है ये कहने वाले उड़ीसा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और इशारा मिलने की बात कर रहे हैं। हालांकि हम इस वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि नहीं करते। मौजूदा दौर में किसी भी घटना के लिए सोशल मीडिया को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है और फिर हो जाता है इंटरनेट कनेक्शन शटडाउन। जी हाँ, बात उत्तर प्रदेश की हो रही है। यहाँ 21 जिलों में इंटरनेट बंद किया गया है। हाल ही में नागरिकता संशोधन एक्ट पर लोगों के हिंसक विरोध प्रदर्शन के पीछे भी सोशल मीडिया को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। अब सरकार के इस इंटरनेट कनेक्शन बंद करने के फैसले पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो वहीं नेट के बंद होने से होने वाले नुकसान को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकार अफवाह, भड़काऊ और भ्रामक खबरों को फैलाने से रोकने के लिए इंटरनेट शटडाउन कर, हालांकि आप सोच भी नहीं सकते कि इंटरनेट शटडाउन से कितनी मुश्किलें सामने आती हैं और खुद सरकार को इससे कितना आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि इंटरनेट शटडाउन की वजह से व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया साइट्स के बंद हो जाने से अफवाह नहीं फैलती और बिगड़े कानून व्यवस्था में शांति बहाली में मदद मिलती है। हालांकि इंटरनेट शटडाउन से होने वाले नुकसान और कहीं ज्यादा हैं। टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों को आर्थिक नुकसान पहुंचता है, कंपनियों के नुकसान से सरकार को भी आर्थिक चपत लगती है, पूरा सिस्टम कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़ा है, बैंकों का कामकाज ठप हो जाता है, डिजिटल पेमेंट नहीं कर सकते, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते, ट्रेन रिजर्वेशन आप नहीं करवा सकते। बहरहाल यूपी के 21 जिलों में इंटरनेट कनेक्शन शटडाउन है। अफवाह, भड़काऊ और भ्रामक खबरों से समाज को बचाने के लिए एहतियात के तौर पर सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया है, लेकिन ये सच है कि आम से लेकर खास हर कोई इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और इसके बंद होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV। तो इंटरनेट बंद होता है तो कई सारी परेशानियां आमजन के सामने भी होती हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के सामने होती हैं, कामकाजी लोगों के सामने होती हैं, टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों को आर्थिक नुकसान पहुंचता है।
जहां ये नुकसान जब पहुंचता है तो सरकार को भी आर्थिक चपत लगती है। ये आज का पूरा सिस्टम कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, हम सब जानते हैं। बैंकों का कामकाज ठप हो जाता है, डिजिटल पेमेंट नहीं कर पाते, ऑनलाइन शॉपिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, ट्रेन रिजर्वेशन करना है वो भी आप नहीं कर सकते। इन सबके बीच भी क्या इंटरनेट को बंद करना विकल्प है? डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो उस दौर में तो ये कहीं ना कहीं ये लगता है कि बार बार इंटरनेट का बंद होना, क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं, सरकारें केंद्र में चाहे बीजेपी की रही हो या फिर कांग्रेस की, वो जम्मू कश्मीर का इलाका रहा हो या फिर उत्तर प्रदेश, यहां पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से इंटरनेट बंद रहता है। हमारे साथ जो दो लोग आज हैं जो इस पर अपने तर्क रखने वाले हैं, सही गलत पर बात करने वाले हैं, पीठ पीछे नहीं, आमना सामना, फेस टू फेस उनके पास सीधे चल रहे हैं। अनिल गोयल जी, शुरुआत आपसे कर रहा हूं, प्लीज इसको डिफेंड कीजिए और समझाइए, यही मात्र एक विकल्प है। पंकज जी, सही बात तो यह है कि इंटरनेट बंद होना एक समस्या है, लेकिन जो दंगे होते हैं, जो दंगे भड़काए जा रहे हैं और जो गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं कांग्रेस के द्वारा, तो उससे मरने से अच्छा तो कि कुछ टाइम के लिए जिसको बंद करके अफवाहों को रोकने का और क्या साधन है? ये गलत गलत अफवाहें रोक रही हैं कांग्रेस, कांग्रेस का आपका उड़ीसा का, आपका उड़ीसा का, आपका उड़ीसा का प्रदेश जो अध्यक्ष है वो ये बात कह रहा है। आप मेरी सुनो ना, आप वो पेट्रोल तैयार रखें, माचिस तैयार रखें, आप मीडिया के थ्रू क्या फैलाना चाहते हैं? आप मीडिया के थ्रू क्या फैलाना चाहते हैं? का विधायक ये कहता है आप हमें घंटे की छूट दे दीजिए, आपके उड़ीसा का भी एक घंटे की छूट दे दीजिए, हम पूरे देश को तबाह कर देंगे। आपने क्या कार्रवाई, क्या कार्रवाई करी? मैं ये कह रहा हूँ, यदि कोई व्यक्ति हिंसा भड़काता है, चाहे आपका नेता है या मेरा नेता है या किसी पार्टी का नेता है, यदि कोई देश में आग लगाने का काम करता है, आप कानूनी कार्रवाई करिए उनके ऊपर। क्या नहीं करते आप? जब आपका नेता ये कहता है घंटे के लिए, घंटे के लिए पुलिस हटाई है, तो आप क्या करेंगे देश में? आप देश को आग लगाना चाहते हैं क्या? मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप देश को आग लगाना चाहते हैं? काम करा है हमने मुसलमानों को, नहीं नहीं नहीं, जो आपने निश्चित बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप, केंद्र जी कोई निराधार रहे हैं गद्दारों से, भाइयों को नहीं, नहीं नहीं नहीं, आप मुझे अच्छी बताइए, आग लगाना है, आप मुझे एक चीज बताइए, जहाँ बीजेपी के राज्य है, जहाँ आप बीजेपी के राज्य है, चाहे ममता बनर्जी हो, राज्यों में क्या दंगे भड़क रहे हैं, मुझे एक चीज बताइए, देश के अंदर आग लगाने की मुझे एक चीज बताइए, जहाँ बीजेपी के राज्य है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको अधिकार किसने दे दिया? सुनिए, आप देश के नागरिक बन कर रहो, गोयल साहब देश में देश के नागरिक बन कर रहो, आप एक साल में जिस तरीके से लोगों को धमकाने का काम करा आपने, जो आप आवाज दबाने का कार्य कर रहे हैं, इसी कारण से आप एक साल में पांच राज्यों से आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, और यदि प्रजातंत्र में आपने जनता की आवाज को नहीं सुना, आप अपनी आवाज सुनाना चाहते हो प्रजातंत्र में, जनता को जो ना अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं, जनता की आवाज सुनना नहीं चाहते, आप लाठी डंडों के आधार पर, आप बंदूक के दम पर, आप प्रशासन के दम पर जनता की आवाज दबाना चाहते हैं, ये कौन सा कानून कहता है? आप बताइए ना, बताइए ना, जो मैं बता रहा हूँ, हाँ मैं बता रहा हूँ, हाँ मैं बता रहा हूँ, सुनिए मैं बताता हूँ, बता क्या रहे हो, बता रहा हूँ, आप सीधे आप सुनने की कोशिश करिए, आपको सरकार किसी की सुन नहीं रही है, मैं आपको बता दूँ, सरकार सुनने का दम रखे, सरकार में सुनने का कोई दम नहीं है, इसीलिए आप पांच राज्यों से बाहर चले गए हैं। यदि आपने इस प्रजातंत्र में आम जनता की आवाज नहीं सुनी, आम लोगों की आवाज नहीं सुनी, आप हिंदू मुस्लिम करके आप कर रहे हो, सुनिए, आप हिंदू मुस्लिम करके आज पूरे देश में आग लगाए बैठे, आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं? आज हमें वो राष्ट्रभक्ति सुनाए, आप सोच रहे हो आज हमें वो राष्ट्रभक्ति ना सिखाए, एनसीपी सोच रहे हैं, जिन्होंने कैसे मिले देश आजाद होने के बाद, आज तक सबने हिंदू धर्म निवासी है, सुनिए, गर्व है नहीं, जहाँ आपकी सरकार, आप मुझे जवाब देना, कांग्रेस को जवाब नहीं देना, कि जहाँ आप बताइए
वहीं पर दंगे क्यों हो रहे हैं? बात मुस्लिम की नहीं है। भड़का रहे हो जामा मस्जिद में दंगे हो रहे हैं? दंगे नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? आपके दंगे क्यों नहीं हो रहे? आप मुसलमानों को भड़का करके देश को आग में धकेलना चाहते हैं। आपको जानकारी नहीं है देश को आग में धकेलना? जानकारी नहीं है मुझे पूरी? आप बिना जानकारी के बैठे, आप मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश में हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है, आप क्या बात कर रहे हैं? जहाँ जहाँ दंगे हुए आप कैसी बात कर रहे हैं? हिंदू नहीं रहते क्या? आपका एनपीआर पे किस बैंक का विरोध है? लोकसभा में पास होने दो, लोकसभा में पास करते हो, जनता को भड़काते हो। एनपीआर क्यों आ सकता नहीं है? क्या क्यों नहीं आवश्यक? आप 2010 में क्यों लिखा है? मैं बताता हूँ, आप 2010 में क्यों लिखा है? सुनो, वो 2010 में क्या अंतर है? आप उसका अंतर बताओ, क्या अंतर है? मैं अंतर बताऊं, पॉइंट टू पॉइंट बात करो। सुनिए, अब एनपीआर में अंतर बताओ। मैं बता रहा हूँ, हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं चुप हो जाऊँ? एनपीआर में बोलोगे? मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, क्या अंतर है 2010-2000? सुन लीजिए, बोलो। जब हमने एनपीआर 2010 में लाए थे, उसके बाद वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, खत्म होगी कहानी। अब सुनने का बहाना नहीं, मैं एनपीआर में कमी बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। जब हमारे यहाँ आधार कार्ड की सुविधा है, वोटर कार्ड की सुविधा है, सुनिए, हर आदमी की जानकारी भारत सरकार के पास है, ये सब चीज जोड़ ली। सुनो, जब जुड़ गए, बिल्कुल लेकर आज एनपीआर क्योंकि आधार कार्ड आ गया, आधार कार्ड लोग जुड़ चुके हैं, हर आदमी के पास आधार कार्ड है, अब एनपीआर की आवश्यकता नहीं है। मैं बता रहा हूँ, आप मुझे आधार कार्ड क्यों पैसा खर्च करोगे? आप एनपीआर, भारत की जनता ने जो टैक्स सरकार को दिया है उसमें क्यों एक्सरसाइज दोनों बार करोगे? जब आपके पास डाटा है गया, और हर 10 साल जब भारत वर्ष का पूरा डाटा हमारे पास है, भारत सरकार के पास, सुन लीजिए, दोबारा एक्सरसाइज पैसा क्यों बर्बाद करना चाहते हो? आपको यदि आपको जनगणना कोई जब आपके पास है, जनगणना कोई मना नहीं करना है, जनगणना के लिए मैं कोई मना कर रहा है? एनपीआर का मतलब जब मैं बता रहा हूँ, 10 साल बाद जनगणना होती है, एनपीआर का मतलब क्या है बताइए? जनगणना नहीं, मुझे ये बताइए, एनपीआर का पूरा नाम बताओ ना मुझे, क्या चीज़? एनपीआर का पूरा फुल फॉर्म बताओ ना मुझे, क्या है? मैं बता नहीं सकता, एनपीआर का मतलब? अरे एनपीआर की बात कर रहे हैं, एनपीआर की जान नाम उनको पता नहीं है, क्या आप एनपीआर के बारे में बताएंगे? आपको नॉलेज नहीं है इसका मतलब? एनपीआर सर, जब आप फर्क नहीं बता पा रहे, मैं फर्क बता तो रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ एनपीआर का, मैं ये भी बता दूंगा, सुनो 2010 में और मैं अंतर बता देता हूँ। आपने विरोध, अरे सुनिए, उस टाइम लाया वो तब तो ठीक है, एनपीआर अभी सुनो, मैं आपके नेताओं की स्टेटमेंट, अरे सुनो, आपके नेताओं के स्टेटमेंट सुना देता हूँ कि एनपीआर क्यों देश के लिए जरूरी है। मैंने सब सुन लिया, एनपीआर देश के लिए क्यों जरूरी है? मैं कह रहा हूँ जरूरी, आज अगर आप ला रहे हो तो एनपीआर अच्छा है, आधार कार्ड नहीं, क्या मांग रहे हो एनपीआर में? एनपीआर खराब है। अच्छा, एनपीआर के फॉर्म में क्या मांग रहे हो? अनिल गोयल जी और जितेंद्र चौधरी जी, अनिल गोयल जी, जितेंद्र चौधरी जी, बहुत देर से मैं आपको सुन रहा हूँ, अनिल जी प्लीज, आप मुझे बताओ, अनिल जी प्लीज, नहीं मुझे आपने, अनिल जी, अनिल जी सुनिए 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 सुनिए, जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, मैं बता रहा हूँ, जितेंद्र जी, ये तो ठीक है, एक बात जरा ध्यान से सुनिए, ये एनआरसी का मामला, एनपीए का मामला, ये जो सीए का मामला है, ये चल रहा है, इस पर हंगामा हुआ, इस पर कई बार बहस भी हो चुकी है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, अनिल जी आपसे भी सवाल है, केवल आप लोग ना थोड़ा डिरेल हो रहे हैं, आप लोग ये नहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2012 में कांग्रेस ने भी 600, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, देश भर में 600 से ज्यादा बार ऐसी व्यवस्था की जब इंटरनेट बंद कर दिया गया, क्योंकि इंटरनेट आज हर चीज इंटरनेट से जुड़ी हुई है, इसका आप जानते हैं, शायद आपका भी व्हाट्सएप नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश में, आप उन जिलों में होंगे जहां पर बंद है इंटरनेट, तो उस पर बात कीजिए ना, इनका क्या कसूर है? जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है, जो हमारी व्यवस्था है, जो सरकार को भी नुकसान हो रहा है, ये क्या इससे समाधान हो जाएगा? आप क्या वाकई में मानते हैं कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए ही हिंसा हो रही है, और कोई जरिया नहीं है? सोशल मीडिया द्वारा कांग्रेस विरोध, आप देना पहले मेरा तो जो, अरे सर आरोप तो हम पे ना, आप बोलना, विपक्ष की आवाज सुनिए, आपको सुनना चाहते हैं, आपके अंदर यही कमी रही है, ये अहंकार आपको ले लूंगा, पांच राज्यों में अभी पांच राज्यों में हारे, आगे चार राज्यों में फिर हारेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक आप जनता की आवाज, हार की आवाज नहीं सुनोगे, हम हार की आवाज नहीं सुनोगे, हम राजनीति देश की सेवा के लिए करते हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं, देश की सेवा, राज्य, आपने देश को बर्बाद कर दिया, आपने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है, आप एक तरफ मोदी कहते हैं मेरा पूरा भारत डिजिटल इंडिया बने, अरे डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा भाई? 130 करोड़ की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपने सब जगह नेट बंद कर दिया, आज जिन लोगों के लिए सरकारी वेबसाइट पे खुशियों के अंदर कोई रिटर्न भर रहा है, कोई टैक्स जमा करना चाहता है, उसमें गवर्नमेंट का भी लॉस है,
और पब्लिक को पेनल्टी लगाएंगे आप किसाई को काम नहीं कर रहे हम जाति भेदभाव नहीं कर रहे आप जाति भेदभाव करते हो आपका प्रधानमंत्री कहता है आपका प्रधानमंत्री कहता है आपका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहता है अरे जनता ने माफ तो उखाड़ फेंक दिया मन की बात जनता ने तो उखाड़ फेंक दिया मन की बात आपने जनता को आपको उखाड़ फेंक दिया आप तो आउट ऑफ कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है मन की बात नहीं करे हम सच्चाई करें हम सच्चाई करें और सर एक बात और सुनो जो इंटरनेट बंद हो रहा है आप पंकज जी के विषय सुन लो पंकज जी ने कहा अरे पंकज जी सुन तो लो पंकज जी ने क्या कहा कि इंटरनेट क्यों बंद हो रहा है बताइए मैंने इंटरनेट बंद ये हो रहा है कि कांग्रेस नहीं चाहती देश की तरक्की कांग्रेस नहीं चाहती इंटरनेट चले कांग्रेस चाहती है दंगे हो भड़के हिंदू मुस्लिम झगड़े हो मुस्लिम वोट हमें मिले ये मुस्लिम वोटों को लेने की होड़ है मुस्लिम भाइयों को गरीब जनता को भड़का करके तो देश को आग में धकेलना देश का सत्यानाश करना तो इस बात पर कांग्रेस लगी हुई है क्योंकि क्योंकि इनके अध्यक्ष जो है इनकी अध्यक्ष दिल्ली की रहने वाली है उसके अंदर देश प्रेम नहीं है वो देश के बारे में नहीं सोच रही वो दिल्ली के इशारों पर चल रही है विदेशियों के इशारों पर चल रही है उनकी वो कांग्रेस जो जमानत पर बाहर है आप भ्रष्टाचार के ऊपर जमानत पर बाहर हैं आप भ्रष्टाचार पर आप उनसे क्या बात कर रहे हैं जमानत पर बाहर हो जो जमानत पर बाहर हो आप पर भ्रष्टाचार का आरोप है आपके ऊपर कांग्रेस के टाइम में दंगे आप कराते हो आपके कांग्रेस के टाइम में कितने बार दंगे हुए कितने कर्फ्यू लगे कितने आपका इतिहास है सर हमारे टाइम में आज तक कोई हिंदू मुस्लिम गाइड नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम झगड़ा आपके टाइम में हुआ हिंदू मुस्लिम झगड़ा कांग्रेस के राज में हुआ हिंदू मुस्लिम जितने झगड़े हुए कांग्रेस राज में 1984 सिख हत्याकांड तुमने करवाया अरे सिख हत्याकांड तुमने करवाया सरदारों को तुमने मरवाया सड़कों पर सड़कों पर 1984 आपने मरवाया जो प्रधानमंत्री मुस्लिम झगड़े अमित शाह जो गृह मंत्री बैठा आपने लोगों को मरवाया आपको जानकारी है आप इतने बड़े न्यूज चैनल पर बैठे हो जितेंद्र जी आप इतने बड़े न्यूज चैनल पर बैठे हो आप मुझे बताओ आपके टाइम में हिंदू मुस्लिम जितेंद्र जी अनिल जी एक एक मिनट के लिए आप जितेंद्र एक मिनट सुनिए अनिल जी आप आज आज हमारे टाइम में आप जो अनिल जी आपके टाइम में आप अनिल जी और जितेंद्र जी आपके टाइम में कर्फ्यू लगे आपके टाइम में मार्शल लॉ लगा आपके टाइम के अंदर हमेशा हर अनिल जी दोनों की सरकारें केंद्र में रही है सब जानते हैं आपको सुनना होगा सर डिटेल मत होइए आप टॉपिक पर रहिए देखिए हिंदू मुस्लिम करने का मौका आपको बार बार मिलता है कई बार करते हैं जितेंद्र जी तो कांग्रेस ने करा है जितेंद्र जी और अनिल जी आप ये बात नहीं मानते दोनों की सरकार रही है ना मैंने बताया 2012 में मैंने बताया कि कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तब भी इंटरनेट को बंद कर दिया जाता था बाद में कुछ हुआ तो इंटरनेट बंद क्या वो नागरिक का जो अधिकार होता है उसमें शामिल है इंटरनेट का इस्तेमाल करना भी बार बार आप नागरिक के अधिकार का हनन नहीं कर रहे हैं मैं जितेंद्र जी आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि क्या यही एक रास्ता है इंटरनेट बंद करेंगे तो हिंदू मुस्लिम नहीं होगा क्योंकि हिंदू मुस्लिम तो आप लोग करते हैं आप लोग तो किसी भी मंच से कर सकते हैं जरूरी थोड़ा सोशल मीडिया के जरिए और जिस हिंदू मुस्लिम की आप बात कर रहे हैं इंटरनेट का इस्तेमाल हिंदू भी करता है मुस्लिम भी करता है ये आपको जानना चाहिए जितेंद्र जी सर मैं बताता हूं देखो इंटरनेट कब कहां बंद किया होगा जहां पे बहुत बुरी स्थिति जैसे कश्मीर हो गया कभी कभी वहां पे आतंकवादी हमले होते थे वहां सही था परंतु मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां इनका जहां केंद्र में इनकी सरकार है स्टेट में इनकी सरकार है वहां 22 जगह 22 सुन लीजिए तो अच्छी बात है 22 जगह इंटरनेट बंद करो गलत बात है कश्मीर में कश्मीर में क्या होगा सुन लीजिए दोगलापन छोड़ दो सुन लीजिए मेरे भाइयों देश पर रहम करो कांग्रेस सुनिए दोगलापन छोड़ दो जब सरकार का फेलियर है बंद करो उत्तर प्रदेश है इनका फेलियर है इंटरनेट बंद कर दो शासन ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और ये लोग भीड़ के बीच में बढ़कर जांच हो जाने दो ना जनता देख रही है देखो जांच हो जाने दो अगर जांच हो जाने दो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए बीजेपी इंटरनेट बंद करे तो बहुत खराब बात है मुझे एक चीज बताइए मुझे एक चीज बताइए अच्छा बोल सर मुझे एक चीज बताओ सुनो जितेंद्र भाई क्वेश्चन लो मेरा एक तो मापदंड आप सुन तो लीजिए एक तो मापदंड आप सुनो तो सही अगर गलत है तो गलत है सही है तो सही मेरा विपक्ष मैं हम विपक्ष में बैठे हैं हमारी बात सुनिए मैं ये कह रहा हूँ अभी एक साल पहले सुबोध कुमार जी इंस्पेक्टर जी मारे गए बुलंदशहर में वो कांग्रेस ने दंगा कराया था उसमें आपके लोग थे जो आपके लोग थे या नहीं थे अरे आपके सहयोगी पार्टी के लोग पकड़े गए नहीं और उसमें आप माला पहनाते हैं उसमें आप लोग माला पहनाते हैं आपका चरित्र इसी से पता चलता है बताइए हमारा पुलिस अफसर शहीद हुआ आतंकवादी मारे गए और कांग्रेस की जो तुम्हारी मम्मी है जो कांग्रेसी सोनिया गांधी है सोनिया गांधी को रात भर नींद नहीं आई सोनिया गांधी को रात भर नींद नहीं आई जो भ्रष्टाचार में लिप्त है
जो व्यक्ति भ्रष्टाचार पे लिखते हैं, जो जमानत पर बाहर आए हैं, अरे जो जमानत पर बाहर आए हैं, जो जमानत पर बाहर आए हैं, उनसे देश की क्या सोच सकते हैं? और मुझे सुबोध कुमार को जवाब चाहिए आपसे, मुझे शर्मा पे जवाब चाहिए। उस शर्मा ने अगर शहीद हुआ है, उसके शर्मा के शहीद होने पर आप क्या सुनी आ रहे हैं? लेकिन आतंकवादी उग्रवादी मारे जा रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है? आपकी आंखों की नींद खराब हो गई है? आप लोग आपकी आंखों की नींद खराब हो गई है? दंगाई है, आप देश के दुश्मन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बता रहा हूँ ना आपको, आपके विद्यार्थी को शादी प्राची हो, अन्य नेता जहरीली जबान, हिंदुस्तान गृह मंत्री भी जहरीली जबान का इस्तेमाल करता है। आप जनता से जहरीली बढ़ रहा है, जहरीली नींद ये राजा बनाती है तो ये रंगी बनाती है। सुनिए, क्यों मान रहा है? तुम्हें नींद तो इस बात में कहा विश्व मान रहा है? तुम्हें तो कहा विश्व मान रहा है? कहा विश्व मान गया? बर्बाद करने में लगे? कहा विश्व मान गया? देशों में जाकर कहा विश्व मान गया? आपको देश की छवि खराब कर रहे हैं। आने को तो तैयार नहीं। आज हमने मिलाई है, आप चीन के साथ गिड़गिड़ाते थे, पाकिस्तान बोल नहीं सकता, आप पाकिस्तान के साथ डराते थे, आप कहते थे धारा 370 खत्म हो गई। तो चीन के साथ आंख मिलाना, पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेलना, इससे भारत में इंटरनेट बंद करने का क्या कनेक्शन? एक मिनट सर, चूड़ी पीने नहीं बैठे अनिल जी, अनिल जी एक सवाल का जवाब दीजिएगा प्लीज। अनिल जी अनिल जी, इससे कोई फायदा नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं है। जिस खबर को लेकर हम बैठे हैं उस पर बात करेंगे तो अच्छा है। हम देश के साथ खड़े हैं, देश की सेना के साथ खड़े हैं। जितेंद्र जी चुप होइए, एक मिनट प्लीज, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अनिल जी, अनिल जी आपका आमना सामना हो रहा है, लेकिन तर्क रखिए ना जिस विषय पर बैठे हैं। एक मिनट, आप सेना का हम इस्तेमाल करना राजनीति में बंद कर दीजिए। सेना सभी की होती है। अनिल जी एक सवाल है, एक सवाल है। आतंकवादी को नहीं छोड़ेंगे, अनिल जी, अनिल जी, अनिल जी प्लीज, जितेंद्र जी, जितेंद्र जी एक मिनट, अनिल जी एक बहुत अच्छी बात की आपने, कहा भारत आगे बढ़ रहा है और बहुत अच्छी बात है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। 2018 का मैं इंटरनेट जो शटडाउन है उसका आंकड़ा दुनिया का निकाल के लेके आया हूं। देखिए ना, आज इंटरनेट की दुनिया है, हम सब जानते हैं, आपके घर में भी इस्तेमाल होता है, सबके घरों में इस्तेमाल है, व्हाट्सएप फेसबुक ही नहीं है, तमाम और चीजें भी हैं, लेकिन 67% सिर्फ भारत में शटडाउन रहा। 67% पूरी दुनिया का जब निकालते हैं तो एक साल में 67% भारत में इंटरनेट की सेवाएं बंद रहती हैं। यह हमारे तरक्की का संकेत है। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, क्या यह पॉसिबिलिटी है? पंकज जी, अनिल जी प्लीज इस पर बात कीजिए ना। पंकज जी मैं बिल्कुल इसी पे बात कर रहा हूं। पंकज जी निश्चित तौर पर इंटरनेट बंद नहीं होना चाहिए। पंकज जी निश्चित तौर पर इंटरनेट बंद होने से देश को भी आर्थिक लाभ नुकसान होता है और जनता को भी परेशानी होती है। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे जो कांग्रेसी भाई हैं उन्हें दंगा कराने से फुर्सत नहीं है, उन्हें झगड़ा कराने से फुर्सत नहीं है। और जब आप पहले पूरी बात सुनो, मैं सबूत दूंगा, सबूत दूंगा। इससे बड़ा उड़ीसा का प्रदेश अध्यक्ष कहे कि पेट्रोल तैयार रखो, आप हमारे ऑर्डर का इंतजार देखो, आप लगा दो, ये आप नहीं चाहते देश तरक्की करे। आपको आपको देश तरक्की करे, मैं तसल्ली से आप मुझे ये बता दीजिए, एनपीआर में आपने क्या क्या चीज मांगी है? पंकज भाई, ये देश की तरक्की देखना नहीं चाहते, बताइए ना, देश को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते। इनके मन में जो आग लग रही, देश आगे कैसे बढ़ रहा है? हाय हम तो चले गए, आगे हम आएंगे नहीं, हम बिल्कुल पूरी तरह से मिट गए। आज आप क्षेत्र विश्वविद्यालय आप इस तरीके से, आप इस तरीके से ये खत्म होने के लिए उल्टे सुन पे काम उठा रहे हैं, देश को दाव पर लगा दिया, तमाम फौजें ने देश को दाव को लगा दिया। ये कांग्रेस के समय में ये संस्था खड़ी हुई है, क्या आप से चूड़ी बन के बैठे थे? आतंकवादी आते थे, आपको अटैक करते थे, आज आतंकवादी आने से धारा 370 हमने खत्म करी, चौथी भारत राम अयोध्या चौथे नंबर की शक्ति बन गई है सेना, तीन तलाक हमने हल करा, आपको जानकारी आपको आग लग जाएगी, जल जाएंगे, भुन जाएंगे, फूक जाएंगे। अरे हिम्मत नहीं थी आपके अंदर राज करने की, आपके अंदर आपने सरदार पटेल अगर मुख्यमंत्री बनता तो समस्या नहीं होती, आपने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, आपने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, आपने तो सिर्फ हमें प्रधानमंत्री दो, हमें कुर्सी दो, हम परिवार की चमचागिरी करेंगे। हमारे माननीय अडवाणी जी उपमुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री आप प्रधानमंत्री सुनो, तो प्रधानमंत्री मुझे बताइए, मोदी जी सीनियर था, परिवार बात पर नहीं चलते, मुझे बताइए ना, परिवार बात पर नहीं चलते। वक्त वक्त समाप्त हुआ आप दोनों का, जितेंद्र जी अनिल जी आप लड़ते रहिए, टीवी पर आपका वक्त समाप्त हुआ हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से ये स्थिति बनती है, देखिए 2012 से 2019 तक पांच ऐसे राज्य हैं भारत के, पांच ऐसे राज्य हैं जहां जम्मू कश्मीर, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, बिहार,
ये गुजरात, यहां पर सबसे ज्यादा इंटरनेट बंद रहा। इंटरनेट बंद करना शायद समाधान नहीं होता, साइबर क्राइम जो हम कहते हैं इसके लिए सेल भी बनती है। इस साइबर क्राइम को रोकने के लिए आपके पास दूसरी पॉलिसी होनी चाहिए, प्लान बी होना जरूरी है। अनिल जी, जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तर्कों का थोड़ा अभाव दिखा, लेकिन उन सबके बावजूद भी इस पर सोचने की जरूरत है कि हर महीने किसी न किसी वजह से इंटरनेट बंद होना, आम लोगों को परेशानी होना, उनके अधिकारों का हनन नहीं तो और क्या है? आपके पास प्लान बी क्यों नहीं है? आपके पास सिस्टम है, तामझाम सारा है, वो काम क्यों नहीं करता? इस पर आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि सरकार में आप हैं। फेस टू फेस में आज इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए R9 TV।